छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सभी जीडीएस कर्मचारी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। बता दें कि केंद्रीय मुख्यालय के आह्वान पर 12 दिसंबर से राजनांदगांव समेत देश भर के सभी जीडीएस कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज राजनांदगांव में भी पोस्ट ऑफिस के सामने जीडीएस के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार और संचार मंत्री के विरोध के नारे लगाए। हड़ताल कर ग्रामीण डाक सेवकों का मानना है कि उनसे काम पूरा लिया जाता है लेकिन मासिक वेतन कम दिया जाता है, जिसके कारण सभी कर्मचारी काम में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि देश के करीब 1,29,000 शाखा डाकघर के माध्यम से करीब 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक अपनी सेवा दे रहे हैं, मगर उनकी मांगों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। हम लोग अपनी जीडीएस की यूनियन की एक ही मांग है, नियमितीकरण, क्योंकि जीडीएस का जो है हमने पिछले 5 अक्टूबर को जो हड़ताल की थी इसी को लेकर केंद्र सरकार को एक चेतावनी था कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई 8 घंटे नियमितीकरण की तो हम 12 तारीख से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं। उसी और चूँकि केंद्र सरकार ने हमारी बात अनसुनी की है इसलिए आज से 12 तारीख से पूरा जीडीएस यूनियन पूरा ऑल इंडिया आज नियमितीकरण की मांग को लेकर धरने पर बैठ गया है और आज हम लोग उसी मांग को लेकर यहाँ भी राजनांदगांव उप संभाग में बैठे हुए हैं। 5 तारीख को हमारी हड़ताल हुई थी उसमें हमने जितनी भी मांगे की थी उसमें से कोई मांगे पे कोई रिस्पांस तक नहीं दिया गया कि हम ये मांगे पूरे करेंगे। तो उसी कारण हमने उसी टाइम बताया था कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम 12 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। वही रीज़न है कि आज हम इस अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हमको आना पड़ा है। अगर क्या क्या मांगे आप लोग? मांग तो सबसे पहले तो नियमितीकरण है, नियमितीकरण के साथ सारी मांगे लगभग पूरी हो जाएगी, सारी सुविधाएं जो एक रेगुलर एम्प्लॉय को मिलती है सरकारी कर्मचारी को मिलती है वो सारी हमको मिले। हमसे काम तो उतना ही लिया जा रहा है हर चीज, कोई फैसिलिटी नहीं मिलती हम लोग को, ना कोई ट्रैवल अलाउंस, कोई एचआरए, कुछ भी नहीं दिया जाता, केवल काम लिया जाता है हमसे। 8 सूत्री थी जो पूरी नहीं की गई और लास्ट वीक जो संसद सत्र हुआ उसमें माननीय संचार मंत्री ने डाक बिल पेश किया लेकिन हमारा कोई जिक्र नहीं किया गया। एक तरफ हमको कहा जाता है हम रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, हम अर्थव्यवस्था में सहयोग प्रदान करते हैं लेकिन हमसे दोहरा बर्ताव किया जाता है। हमको टारगेट टाइम पे प्रेशराइज किया जाता है लेकिन उसका बेनिफिट हमारे SGIPs, ASPs प्राप्त करते हैं और प्रमोट वो होते हैं और हमारी स्थिति में हमारे सीनियर हैं कोई स्थिति में कोई सुधार ही नहीं है सर। जो अंग्रेज के शासनकाल से चले आ रहा था वही हम सह रहे हैं, अब डाक सेवक सह रहा है उसको।